ये क्वेश्चन ऑप्शन के साथ भी पूछ सकता है और विदाउट ऑप्शन का भी पूछ सकता है। अगर ऑप्शन देगा तो इस तरह का सवाल रह सकता है आपको, इतना इज इक्वल टू, और ऑप्शन दे देगा ए बी सी डी, तो आप इसको सॉल्व करिएगा, जो होगा अपना उसमें आप आपको ठीक लगा देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन में लिखूंगा, क्लियर नाउ बराबर। अब यहां पे थोड़ा सा अपना ब्रेन का यूज करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स है ये, मैथ यानी कि माथा, माथा लगाना पड़ेगा, ब्रेन लगाना पड़ेगा, क्लियर। एम से मैथ, एम से माथा। तो यहां पे अगर मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूं तो मैं 8 को लिख सकता हूं 5 प्लस 3, आराम से लिख सकता हूं, या 3 प्लस 5 भी लिख सकता हूं। अब आप सोचिएगा कि मैंने 8 को 5 प्लस 3 क्यों लिखा, ये भी मैं लिख सकता हूं 6 प्लस 2, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूं 4 प्लस 4। 8 को तो मैं कैसे भी लिख सकता हूं ना, अगर स्प्लिट करूंगा, तोड़ूंगा दो टुकड़ा में, तो कैसे भी लिख सकता हूं 6 2 4 4, बहुत सारे ऑप्शन है। तो यही मैंने क्यों लिखा, 5 3 या 3 प्लस 5 लिख सकते हैं, उल्टा पुल्टा कर सकते हैं। तो यह करने का मतलब मेरा यह है कि मैंने 5 और 3 क्यों लिया, दूसरा कुछ क्यों नहीं लिया, ठीक है। ये एक सवाल है जिसका जवाब आपको मिलेगा अभी तुरंत कुछ समय बाद। अच्छा नाउ माइनस बता रहा हूं मैंने क्यों लिया, पेशेंस रखिए। यहां पे मैं 2 लिख सकता हूं, अभी दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना है, गुना है ना। 15 को मैं 2 पार्ट में तोड़ूंगा, स्प्लिट करूंगा, तो 15 को वैसे मैं 2 पार्ट में स्प्लिट करूंगा जो मैंने यहां पे लिया, क्लियर। यहां पे क्या लिया 5 3, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 into √3, क्योंकि ये √15 है, तो 15 को मैं लिख सकता हूं 5 × 3, तब ना इसको मैं तोड़ूंगा तो 5 × 3 तब ना हो गया 15, यानी कि सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटा। मैथमेटिक्स का नियम होता है कुछ भी करे फर्क ना पड़े, मैथमेटिक्स का रूल होता है कुछ भी करे फर्क ना पड़े, दोनों को गुना किया तो यह। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये करता 3 प्लस 5 तो यहाँ भी सेम रहता, अब चाहे तो उसको भी उल्टा पुल्टा कर दो, यहाँ पे 3 दे दो, यहाँ पे 5 दे दो, फिर भी यही आता। अब ना, अब मैंने अभी आपको कुछ समय पहले बताया कि मैंने 5 और 3 क्यों लिया, तो इसका जवाब देखिए, 15 को आप 2 पार्ट में, अगर आप यहाँ पे 4 4 लेते तो 15 को आप थोड़ी लिखते ऐसे करके √4 √4 नहीं लिख सकते थे। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए 6 लेते और 2 लेते, क्लियर, तो 15 को आप नहीं लिख सकते थे ऐसे करके √6 into √2 नहीं लिख सकते थे, क्योंकि ये 12 हो गया। तो सर ये तो समझ गए कि यहाँ पे आपने 15 को ऐसे 2 पार्ट में लिया है जो यहाँ भी है, लेकिन लिया क्यों, तो वो लिया मैंने इस पर सेट करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन पूछा कीजिए, ठीक है, अपने आप से पूछा कीजिए, सामने वाले से क्वेश्चन, मन में आपका मन में क्वेश्चन डेवलपमेंट होना चाहिए, उत्पत्ति होना चाहिए, ओरिजिन होना चाहिए क्वेश्चन का, क्यों कैसे कब कहा, यानी कि कैसे भी करके पढ़ लिया। क्वेश्चन पूछेगा उसका जवाब तलाशिए, जवाब तलाशिए, कैसे जवाब तलाशेंगे, अगल बगल से पता कीजिए, ठीक है। आपके हाथे में पूरी दुनिया है सर, मेरे हाथ में पूरी दुनिया है, दैट मीन्स मोबाइल लैपटॉप है, ठीक है, तो वो पूरा दुनिया है, उससे आप रिसर्च कीजिए, यानी कि क्वेश्चन को पूछा कीजिए, क्वेश्चन जितना ज्यादा पूछेगा उतना ज्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, नहीं कि कैसे भी करके पढ़ लिया। अब यहाँ पे 5 को, अब देखिए सबसे पहले मैं इसको सेट करूंगा a² + b² - 2ab पर सेट करूंगा, ठीक है, बी है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा a - b² होल स्क्वायर। अब बोलेगा सर कहाँ ये a² और 5 का स्क्वायर, तो मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, क्यों नहीं कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ, क्योंकि √5 का स्क्वायर में करूंगा तो √5 का स्क्वायर 5 ही होगा, क्योंकि ये से ये कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है, आराम से 5 होगा कि नहीं होगा, आराम से, जैसे 7 है इसका आपको स्क्वायर करने का है, ठीक है, आप कैसे करिएगा, किसी का भी आपको स्क्वायर करना है तो उसका वर्गमूल निकाल देंगे, तो ये यहाँ पे 7 हुआ, तो √7 को 2 बार लिखिए, √7 एक बार, तो 7 7 कितना हो गया 49 हो गया, और 49 का वर्गमूल होगा 2 छुपा हुआ यहाँ पे, तो 7 होगा, ठीक है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 2 है यहाँ भी 2 है, कर गया था 7 हुआ, अगर ऐसा रहता ये क्यूब है, ये क्यूब है, कर जाता तो आराम से हो सकता है। तो मैं यहाँ पे 5 को लिख सकता हूँ √5, क्योंकि √5 कर गया तो 5 आया आराम से, यानी कि कुछ भी करे फर्क नहीं पड़ा। नौ 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 आराम से, फिर यहाँ पे इसको चुपचाप में उतार दूंगा, अब चाहे तो ब्रैकेट में ले सकते हो या तो नहीं लो, मेरा मर्जी, हम नहीं लेंगे,
यानी ऐसे भी कर सकते हो आप। चलेगा उसको उल्टा पुल्टा करो भाई, उल्टा पुल्टा करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि गुना में उल्टा पुल्टा चलता है। तीन गुने पांच पंद्रह हुआ, तो पांच गुने तीन पचास होगा, आगे पंद्रह होगा, पंद्रह होगा ना ऐसे, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए डिट्टो यानी कि सेम टू सेम इसके जैसा मिल गया। पूछिए कैसे, देखिए ए स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए ए ये ए, तो ये वाला ए से ये वाला ए मिलता है, सेम रहता है ना। देखो ये ए से ये ए क्या है, सेम है, ये बी से ये भी सेम है। यहाँ पर देखिए क्या आई ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैंने टू ए बी, कुछ नहीं है तो गुना गुना है, गुना गुना है। अब यहाँ पे देखिए ए, यहाँ पे ए के जगह पर रूट फाइव, ए के जगह पर रूट फाइव, बी के जगह पर रूट थ्री, बी के जगह पर रूट थ्री, फॉर्मूला में टू, तो फॉर्मूला टू सेम टू सेम मिल रहा है, यस नो। अच्छा अब इसका फॉर्मूला ए ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, इसका भी क्या हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा ए ए माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो बी और बी एक जैसा है तो ये दे देंगे और यहाँ पे ये दो दे देंगे, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना। जब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ, तो ए और बी है तो ए भी हुआ, एच स्क्वायर आता है एक्स स्क्वायर, यहाँ भी रूट पांच ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये देंगे ना, क्योंकि माइनस है तो वाला फॉर्मूला लगा, यानी कि इस पर सेट कर दिया, इसका ये दोस्त हुआ ऐसे। अब यहाँ पे मैंने बताया है दो, यहाँ पे दो छुपा हुआ है, क्यूब में देखो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो बात बराबर है, लेकिन क्यूब में आपको तीन देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं रहता है तो दो रहता है छुपा हुआ, तो आप यहाँ पे दो स्टेप को फॉलो कर सकते हो, या आप ऐसे भी बना सकते हो, दो बार है तो इसको खोल दीजिए, दो बार लिख दीजिए, एक बार गुना में पावर जुड़ता है एक और एक कितना हो गया दो, दो बार लिख दीजिए, और जोड़ा लगेगा ना, पेयर लगेगा, दो गो ये है तो एक निकाल देंगे, एक निकाल देंगे, एक निकाल देंगे, देखो क्या होता है, ये सब आता होगा नॉर्मल चीज़ है, नहीं आता है तो मैं बता रहा हूँ, फिर भी नहीं समझेगा तो कमेंट कीजिएगा, टेंशन नहीं लेना है। दो एक्स है एक एक्स होगा, होगा ना स्क्वायर रूट, ऐसे आप कर सकते हैं, जावर आंसर, ठीक है। नहीं तब एक तरीका और मैंने अभी बताया है, क्या दो यहाँ भी है और यहाँ भी दो है छुपा हुआ है ना, इससे ही आप कैंसिल भी कर सकते हो, हो गया थ्री आई, ठीक है, थैंक यू।